बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल रऊफ और आप देख रहे हैं सतलुज न्यूज। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आरिफ वाला इंजीनियर को हेलीकॉप्टर का तजर्बा महंगा पड़ गया। पुलिस थाना रंगशा ने इंजीनियर को हेलीकॉप्टर समेत हिरासत में ले लिया। गांव 50 ईबी के रिहायशी नौजवान फयाज ने 4 कनाल जमीन को बेचकर हेलीकॉप्टर तैयार किया था। बूरेवाला पुलिस थाना दानेवाल की बड़ी कार्रवाई। मासूम बच्चों से ज्यादती करने वाले गैंग गिरफ्तार। मासूम बच्चों से ज्यादती करने वाले गैंग के 4 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान मासूम बच्चों को वर्गला कर एहतजाज इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाते थे। एसएचओ नासर तवस्सुम का कहना है कि कुछ अरसा से बच्चों के साथ ज्यादती के वाकया हो रहे थे। दरिंदा सिफात मुलजिमान ने बाकायदा गैंग तश्कील दे रखी थी। गुज़िश्ता दिनों शर्की कॉलोनी के 1 13 साल बच्चे को वर्गला कर 4 मुलजिमान ने इज्तमाई का निशाना बनाया, जिस पर कार्रवाई करके 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। आरीवाला नवाही गांव कल्याणा में कमसिन बच्चे के साथ इंसानियत सोज वाकया। नवाही गांव कल्याणा में 7 साल बच्चे की लाश खाले के से बरामद। पुलिस का कहना है कि 7 साल बच्चा आजम 4 रोज कबल लापता हो गया था। बच्चा पहली जमात का तालिब इल्म था। बच्चे को नामालूम कातिलों ने कत्ल करके लाश खाले में फेंक दी। पुलिस ने लाश को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। उकाड़ा की हदूद दीपालपुर सजू डकैत गैंग के 4 कारिंदे सरगना समेत गिरफ्तार। मुलजिमान में नकदी रकम, तलाई जेवरात, 4 मोटरसाइकिल्स, मोबाइल फोन, असलाह बरामद। गैंग के 4 कारिंदे नवाही गांव भुक्कन के रिहायशी निकले। उकाड़ा नेशनल हाईवे बाईपास पर कार और बस में तसादुम। हादसे में 2 अफराद जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। बूरेवाला बुनियादी मरकज सेहत डॉक्टर जलाल ने अस्पताल की मेडिसिन अपने प्राइवेट अस्पताल में इस्तेमाल करने लगे। इंतजामिया प्रूफ होने के बावजूद खामोश है। मरीजों को सरकारी बीएचक्यू डीएचक्यू से अपने प्राइवेट क्लिनिक लाहौर रोड मुंतकिल करके पैसे बटोरने लगा। सरकारी बुनियादी मरकज सेहत से मरीज बगैर दवाई के धक्के खाने पर मजबूर हो गए। मरीजों का कहना है कि डॉक्टर कहता है इधर इंजेक्शन नहीं, उधर मेडिसिन नहीं। डॉक्टर मौसूफ यहाँ पर पर्ची तो बनाता है लेकिन यहाँ डिलीवरी नहीं होती। फिर मरीज प्राइवेट के धक्के खाता है। मजीद कहा कि डिलीवरी केस के हवाले से अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए रजिस्टर में मुबैना तौर पर बोगस अंदराज किए जाते हैं। शेरपुर शरीफ के अजीम सपूत मारूफ बिजनेसमैन लुकमान अली अफजल की सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी मिलने के बाद अपने आबाई घर आमद। शेरपुर शरीफ के अवाम का भरपूर इस्तकबाल और खराज तहसीन। लुकमान अली अफजल के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। मजीद अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.satlujnews.com।